हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो फ्रॉम आरएसएम विद्या आश्रम स्कूल फॉर क्लास सेकेंड स्टूडेंट। आज हम करेंगे हमारा मैथ्स टर्म सेकेंड के अंदर चैप्टर नंबर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इससे पहले जो आपके चैप्टर हैं वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, तो आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखिए, लेंथ मेजरमेंट क्या होता है, मतलब किसी भी चीज़ को मापना। जैसे हम मापते हैं ना घर में, कोई भी आपकी हाइट मापते हैं आप, तो वो क्या होती है, लेंथ। उसको क्या करते हैं, हम मापते हैं, लेंथ यानी लंबाई। वी शैल लर्न इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, द हेल्प ऑफ यूनिट्स, एडिशन ऑफ लेंथ्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स। ओके, लेंथ इज अ मेजरमेंट ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज फ्रॉम एंड टू एंड। लेंथ एक मेजरमेंट होता है, यानी लंबाई एक माप होती है, जिसमें क्या करते हैं, हम किसी चीज़ को मापते हैं कि वो अपनी शुरुआत से लेके अब उसके अंत तक, यानी उसके एंड तक कितनी लंबी है। दिस में ऑल्सो इंक्लूड डिस्टेंस, इसमें हम डिस्टेंस यानी दूरी को इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज डिफाइंड एज हाउ फार आर टू पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ईच अदर। इससे हम बता सकते हैं कि कोई भी दो पॉइंट जो हैं वो कहाँ कितना दूर हैं। जैसे आपके घर से स्कूल कितना दूर है, आपके घर से आपके नानी का घर कितना दूर है, आपके घर से आपके फ्रेंड का घर कितना दूर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट में यानी लेंथ में माप सकते हैं। लेंथ इज मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग टेप और मीटर स्केल। लेंथ को एक टेप, मेजरिंग टेप से या फिर मीटर स्केल से क्या किया जाता है, मापा जाता है। इस तरीके की स्केल आपने देखी होगी, आपके बड़े सिस्टर्स यूज़ करते होंगे इसे। सो फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट वी यूज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स। एक्यूरेट यानी एकदम सही माप बताने के लिए हमें क्या यूनिट्स का यूज़ करना पड़ता है। द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग लेंथ इज मीटर। स्टैंडर्ड जो मानक यूनिट है वो क्या है, लेंथ का मीटर है। इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर एम। मीटर को किस में शो करते हैं, स्मॉल एम में शो करते हैं। फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ्स वी यूज़ सेंटीमीटर डिनोटेड बाय सी एम। हम छोटी दूरियों को मापने के लिए, उस छोटी दूरियों को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सी एम यानी सेंटीमीटर। यानी बड़ी दूरी को मापने के लिए क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस को मापने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, मीटर, जिसे हम एम से डिनोट करते हैं। एंड शॉर्ट डिस्टेंस को मापने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर, जिसे हम सी एम से डिनोट करते हैं। ओके, टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ रूलर विच वी प्लेस द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग साइड द रूलर विद द वन एंड एट द जीरो मार्क ऑफ द रूलर। हम क्या करेंगे, रूलर यानी स्केल का यूज़ करते हैं। स्केल का जो जीरो पॉइंट होता है उस पे हम उसका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं, और जहाँ एंडिंग पॉइंट होता है वहाँ तक हम उसे मेजर करते हैं, उसका मेजरमेंट लिखते हैं। We read the mark on the scale at the other end of the object. हम जहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज़ ख़त्म हो रही है वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ तक उसका मेजरमेंट लेंगे। The reading gives the length of the object. जो रीडिंग आती है वो क्या कहलाती है, उस ऑब्जेक्ट की या उस वस्तु की लेंथ यानी लंबाई कहलाती है। The scale given above gives us the length of centimeter. जो स्केल यहाँ दे रखी है वो सेंटीमीटर में हमें लंबाई देगी। तो अगर आपकी बाई चांस कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेंसिल अगर 5 है, अगर यहाँ 0 से स्टार्ट होकर यहाँ पे 12 पे ख़त्म हो रही है, तो ये क्या लिखा जाएगा, 12 सेंटीमीटर, यानी पेंसिल की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। द स्केल गिवन किलोमीटर इज़ अ यूनिट, किलोमीटर इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग बिगर लेंथ। किलोमीटर जो है वो बिगर लेंथ यानी बहुत बड़ी लंबाइयों को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हम यहाँ से बोलते हैं कि हमारे जोधपुर से अगर हमें कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, तो वो यहाँ से कितना दूर है, हो सकता है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। उसको मीटर और सेंटीमीटर में नहीं मापा जाएगा, क्योंकि मीटर और सेंटीमीटर किलोमीटर से भी छोटी यूनिट हैं। तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी, किलोमीटर,
उससे छोटी मीटर, एंड उससे भी सबसे छोटी क्या होगी, सेंटीमीटर। किलोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ ऑफ रोड्स एंड अदर लॉन्ग डिस्टेंस। किलोमीटर में किसको मापा जाता है, रोड्स को और अदर लॉन्ग डिस्टेंस को मापा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय KM, इसको KM से डिनोट किया जाता है। 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter एंड 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meter। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 meter इज इक्वल टू 100 centimeter होता है। 1 meter के अंदर 100 centimeters आते हैं एंड 1 kilometer के अंदर 1000 meter आते हैं। नाउ मेजर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू यूज योर स्केल रूलर, और उसका जो जीरो पॉइंट है वो आप यहाँ रखेंगे, और जो लास्ट एंडिंग पॉइंट है वो जहाँ पे भी आता है। जैसे इस स्केल पे आपका टोटल यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ 6 पे एंड हो रहा है, ओके तो यहाँ क्या आएगा, 6। और ये स्केल किस में है, सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 centimeter, ओके। अब जब आप इसकी पेन की लेंथ मापेंगे तो इस पेन का फर्स्ट पॉइंट एंड ये लास्ट पॉइंट कहाँ एंड हो रहा है, ये देखिए यहाँ 8 पे आ रहा है, तो ये आ जाएगा 8 centimeter, ओके। नाउ अब हम अब इन टू, एक हॉकी की और पेंसिल की, इन दोनों की मेजरमेंट आप खुद मापेंगे। नेक्स्ट देखिए, मेजर द लाइंस एंड राइट देयर लेंथ इन बॉक्सेस। ये सारे सेंटीमीटर दे रखे हैं क्योंकि हमारी स्केल जो होती है वो किसके अंदर होती है, सेंटीमीटर के अंदर होती है। फर्स्ट आप रखें ए पे, ए पॉइंट जो रेड डॉट आपको दिख रहा है, और लास्ट एंडिंग पॉइंट आप देखते हैं इन 9 से लेके 10 के बीच में बहुत छोटी छोटी लाइंस दे रखी हैं। ये 10 लाइंस हैं, इनको पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो जहाँ पर आपका पॉइंट आता है, जैसे यहाँ आ रहा है, ये मिड में आ रहा है, तो आप क्या पढ़ेंगे, 9 के आगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये क्या हो जाएगा, 9.5, ओके। 9 तक तो हम पहुँचे ही थे, 9 से आगे कितनी लाइंस पर डॉट आया, 5th लाइन पर डॉट आया, तो हम लिखेंगे 9.5। नेक्स्ट देखिए C से D, तो C और ये रहा D। देखिए D पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहाँ। अब इसको कीजिए 6 के आगे काउंट कीजिए कितनी लाइंस हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6 तो आएगा ही, और 6 से आगे 6.4, ओके। नेक्स्ट 3 आप खुद मेजर करेंगे विद योर एल्डर ब्रदर हेल्प, या ब्रदर सिस्टर कोई भी आपके घर में बड़े हों उनकी हेल्प से करेंगे, तो आपको ये अच्छे से आएगा, ओके। इसे आप होमवर्क में करके डन करना। नेक्स्ट देखिए, एडिशन ऑफ लेंथ्स, टू ऐड मैनी नंबर ऑफ लेंथ्स वी जस्ट ऐड देयर नंबर्स एंड राइट डाउन द यूनिट एज गिवन, CM, सेंटीमीटर और मीटर। एग्जाम्पल देखिए क्या करना है, जैसे आप नॉर्मली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, वैसे ही आपको करना है, लेकिन जो इनके पीछे यूनिट्स दे रखी है उनको नीचे शो करना है। यहाँ देखिए 4 इन योर माइंड 3 ऑन योर फिंगर, 4 के बाद 3 फिंगर, 5, 6 और 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 7। 5 इन योर माइंड 6 इन योर फिंगर्स निकाल लीजिए, 5 के बाद फिंगर्स काउंट कीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11, तो यहाँ क्या 11। और ये जो यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, हम इसको यहाँ लिख देंगे 117 सेंटीमीटर। ऐसे ही हमें ये करना है, देखिए ऐड द फॉलोइंग नंबर 9, और हम किसी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन को पीछे से स्टार्ट करेंगे, ओके, आगे से कभी भी नहीं करेंगे। तो देखिए 9 प्लस 5, तो 9 एंड 5 कितने हो जाएंगे, 9 इन योर माइंड 5 ऑन योर फिंगर, 9 के बाद 5 फिंगर काउंट कीजिए, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ आ जाएगा 14 का 4 और 1 का जाएगा ऊपर कैरी में। 7 इन योर माइंड 5 ऑन योर फिंगर एंड 1 कैरी का फिंगर, तो 7 के बाद काउंट कीजिए,
एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व एंड थर्टीन, आ जाएगा 13। अब ये आ जाएगी यूनिट नीचे सेंटीमीटर। ओके अब नेक्स्ट देखिए, 0 + 4 + 0, हम 0 में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो वापस वही नंबर आता है, तो यहाँ क्या आएगा 4। 5 + 0 यानी 5 एंड 5 + 6, 5 इन योर माइंड 6 ऑन योर फिंगर, 5 के बाद काउंट कीजिए 6 7 8 9 10 और ये 11, 11 का 1 यहाँ और 1 कैरी में, 5 5 एंड 1 6 6 एंड 2 7 8 और 1 कैरी का कितना हो गया 9, तो यहाँ आ जाएगा 9 और जो इनकी यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, आप इसको लिखेंगे। ये जो 3 है आप इसे होमवर्क में डन करेंगे। इफ द गिवन लेंथ आर इन कंबाइंड यूनिट्स देन वी मेक सेपरेट कॉलम्स फॉर द यूनिट्स एंड देन ऐड। अगर आपको दोनों यूनिट्स में दे रखा है, मीटर और सेंटीमीटर दोनों दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, दोनों के अलग अलग कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इधर मीटर का कॉलम और इधर सेंटीमीटर का कॉलम, और जो आपको दे रखा है जैसे 65 सेंटीमीटर तो 65 सेंटीमीटर के नीचे आ जाएगा एंड 61 सेंटीमीटर तो ये इसके नीचे आ जाएगा, 13 मीटर के नीचे और 42 इधर मीटर के नीचे। अब इसको आप ऐड करेंगे 5 एंड 1 6 6 एंड 6 12, 12 का 2 यहाँ और 1 कैरी में। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे 3 + 2 5, 5 एंड 1 6 1 एंड 4 5। तो इस तरीके से आपको जैसे आप सिंपल एडिशन करते आए हैं उसी तरीके से आपको इनको डन करना है। नेक्स्ट देखिए, एडिशन एट द फॉलोइंग, यहाँ देखिए मीटर और सेंटीमीटर सेपरेट किए हुए हैं। 0 में 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0, 3 में 4 को ऐड करेंगे 3 इन योर माइंड 4 ऑन योर फिंगर, 4 फिंगर्स निकालिए फिर काउंट कीजिए 3 के बाद 4 5 6 7, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7। 5 + 0 5, 6 इन योर माइंड 8 ऑन योर फिंगर, 6 और 8 फिंगर्स, तो 8 फिंगर्स पे निकालिए 6 के बाद काउंट कीजिए 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा 14। 14 का 4 यहाँ और 1 कैरी में, 1 एंड 1 2। ओके 0 + 0 0, 4 एंड 3, 4 के बाद 3 काउंट कीजिए 5 6 और 7, तो यहाँ आ जाएगा 7। 5 + 7, 5 के बाद 7, 5 6 और 7, 5 के बाद 7 काउंट कीजिए 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आ जाएगा यहाँ पे 12। 12 का 2, 1 कैरी में, 8 एंड 1 9 9 + 1 10, 10 का 0 और 1 कैरी में, 2 एंड 1 3। ऐसे ही आपको सिंपल एडिशन करने हैं, ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ओके नेक्स्ट देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ्स, व्हाइल सब्ट्रैक्टिंग टू लेंथ्स वी सिंपली सब्ट्रैक्ट देयर नंबर्स एंड राइट डाउन द यूनिट्स एज गिवन मीटर और सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट करेंगे सेंटीमीटर और मीटर में, उसके बाद में उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे हम सिंपली करते आए हैं। एग्जाम्पल देखिए, 6 - 8 यानी 6 में से 8 नहीं जा सकते तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे, तो क्या हो जाएगा 110 बोरो आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 16। 16 - 8 = 8, देन यहाँ कितना रह गया, 4 में से 1 इधर गया तो 3, 3 - 1 = 2। सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है आपको, हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं इसकी। 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं, 0 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करेंगे 1 बोरो लेंगे, ये कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5, तो हम अब गैप काउंट करेंगे, 10 में से 5 चले गए तो कितने रह गए, 5 के आगे काउंट कीजिए 10 तक, 6 7 8 9 10, कितनी फिंगर्स ओपन हुई 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, इधर से 1 इधर गया तो यहाँ कितना रह गया था 4, 4 में से 2, 4, 4 में से 2 फिंगर्स खा लीजिए तो कितने रह गए 2, 3, 3 में से 1 फिंगर गई तो 2,
नेक्स्ट देखिए, फाइव, फाइव में से नाइन को सब्ट्रैक्ट करना है. फाइव में से हम नाइन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे. तो वन टेन बोरो आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, फिफ्टीन. फिफ्टीन में से नाइन गए तो, फिफ्टीन में से नाइन गए तो कितने रहे, गैप काउंट कीजिए, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन. कितनी फिंगर्स ओपन हुई हमारी, सिक्स फिंगर. तो यहाँ क्या आएंगे, सिक्स. यहाँ रह जाएगा टू. टू में से एट को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे. तो यहाँ आ जाएगा वन टेन, तो ये हो गया ट्वेल्व. ट्वेल्व में से एट गए तो, ट्वेल्व में से एट गए तो कितने रहे, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्व. कितनी फिंगर्स ओपन हुई हमारी, फोर. तो यहाँ क्या आएगा, फोर. हम इसमें यूनिट्स लिखेंगे, यहाँ है सेंटीमीटर और यहाँ पे भी है सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट, इफ द लेंथ आर गिवन इन कंबाइंड यूनिट्स देन वी सिंप्लीफाई अरेंज देम इन सेपरेट कॉलम्स देन सब्ट्रैक्ट. इसमें भी जैसे हमें यूनिट्स दी गई हैं मीटर और सेंटीमीटर के अंदर, तो हम उसे क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट करेंगे, उसके बाद में उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखिए यहाँ मीटर और सेंटीमीटर के अलग अलग, फाइव में से जीरो गए फाइव, टू में से वन गया वन, जीरो में से जीरो गए जीरो, नाइन में से वन गया एट. ओके, इसको हम प्रैक्टिस करते हैं आगे क्वेश्चंस के अंदर. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, टू माइनस सेवन. टू में से हम सेवन को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे. ट्वेल्व, ट्वेल्व में से सेवन जाएंगे तो सेवन के बाद ट्वेल्व तक काउंट कीजिए. सेवन के बाद हम काउंट करते हैं एट, नाइन, टेन, एलेवन, ट्वेल्व. कितनी फिंगर्स ओपन हुई हमारी, फाइव. तो यहाँ आ जाएगा फाइव. नेक्स्ट, इधर वन चला गया तो इधर कितना रह गया, थ्री. थ्री में से टू गए थ्री, थ्री में से टू गए कितना रह गया, वन. तो यहाँ आ जाएगा वन. वन में से सेवन को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे. यहाँ वन टेन आएगा तो कितना हो जाएगा, इलेवन, और इधर रह जाएगा फाइव. इलेवन में से सेवन जाएंगे तो सेवन के आगे काउंट कीजिए, एट, नाइन, टेन, इलेवन. तो ये कितना हो जाएगा, कितने फिंगर्स ओपन हुए हमारे, फोर. तो यहाँ आ जाएगा फोर. फाइव, फाइव में से थ्री फिंगर्स, फाइव, फाइव में से थ्री फिंगर्स जाएंगे तो कितने रहेंगे, टू, वन है टू. तो यहाँ आ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, फाइव में से सेवन हम नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे. फिफ्टीन, फिफ्टीन माइनस सेवन क्या होगा, सेवन के आगे काउंट कीजिए फिफ्टीन तक, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन एंड फिफ्टीन. कितनी फिंगर्स ओपन हुई हमारी, एट. तो यहाँ क्या आएगा आंसर, एट. नेक्स्ट देखिए, थ्री, थ्री में से इधर गया वन, तो यहाँ हो जाएगा टू. ठीक है, तो टू में से फाइव को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो हम क्या करेंगे, बोरो लेंगे. इधर से बोरो आएगा वन टेन, तो यहाँ हो जाएगा ट्वेल्व. ट्वेल्व में से फाइव जाएंगे तो फाइव के आगे काउंट कीजिए, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व. कितने हो गए, फाइव, सिक्स एंड सेवन. तो यहाँ आ जाएगा सेवन. ओके, यहाँ पर रह गया था वन. वन में से वन गया तो ज़ीरो, नाइन में से टू, तो नाइन में से टू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर बाद में गैप काउंट कीजिए, नाइन, टू के बाद में थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन. कितनी फिंगर्स ओपन हुई, फाइव, सिक्स, सेवन. तो यहाँ क्या आ जाएगा, नंबर सेवन. इसी तरीके से आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है, गैप काउंट करके या फिर आप लड्डू बना के भी कर सकते हैं, एज़ पर योर चॉइस आप इसे करेंगे. ओके, हमें सिंपली एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने हैं. दिस इज़ फॉर योर होमवर्क, प्रैक्टिस इट. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट टू पढ़ेंगे. थैंक यू.